सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 की फिल्मिंग का काम चल रहा है। अब एक ऐसा नाम सामने आया है जिसे सुनकर फैंस एक्साइटेड कम निराश ज्यादा हुए, करण देओल। करण देओल की 2019 में आई फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, मगर उनकी पहली फिल्म कोई कमाल नहीं कर पाई थी। राजकुमार संतोषी की लाहौर 1947 की स्टार कास्ट में शामिल हो गए हैं। इस फिल्म में उनके पिता एक्टर सनी देओल लीड रोल में हैं और इसे प्रोड्यूस आमिर खान कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले सनी देओल के बेटे एक्टर करण देओल ने लाहौर 1947 में एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। अब आमिर खान ने कंफर्म किया है कि उन्हें यह रोल मिल गया है। एक्टर प्रोड्यूसर आमिर खान ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि करण देओल ने जावेद के बेहद अहम रोल के लिए इतनी अच्छी तरह से ऑडिशन किया है। उनकी नेचुरल मासूमियत, उनकी ईमानदारी और उनकी सादगी बहुत कुछ सामने लाती है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ रिहर्सल की है और अपना 100% दे रहे हैं। प्रोड्यूसर अमीर ने कहा, यह एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल है और मुझे यकीन है कि राज संतोषी जब उन्हें डायरेक्ट करेंगे तो करण इसे बखूबी कर पाएंगे। फिल्म में प्रीति जिंटा भी लीड एक्टर्स में है। संतोष सिवन, जिन्हें हाल ही में कांस पियरे एंजिनिक्स ट्रिब्यूट से सम्मानित किया गया था, लाहौर 1947 के कैमरामैन होंगे। फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट पहले से ही है, क्योंकि गदर 2 के धुआंधार कामयाबी के बाद ऑडियंस सनी देओल को एक्शन और धमाके करते देखना चाहती है। आने वाली फिल्म का नाम भी कुछ ऐसा है कि इसमें एक बार फिर गदर 2 की सक्सेस दोहराने का दम दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि अपने सुपरस्टार पिता के साथ करण की वापसी पर जनता किस तरह रिएक्ट करती है। फिल्म में पिता और पुत्र का आमना सामना होगा। पहली बार पिता पुत्र की इस जोड़ी को देखना दर्शकों के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है। लाहौर 1947 को आजादी के बाद भारत पाकिस्तान बंटवारे पर बेस्ड एक इमोशनल कहानी बताई जा रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह का नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।